ये क्या है? इसे बोलते हैं बेहूदगी। नहीं, मेरे अंतर्मन में ये आवाज उठी थी। बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। मैंने अपनी ही वीडियो में आपसे कहा था कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसी काम को कितनी अच्छी करते हो, फर्क इससे पड़ता है कि आप किसी काम को करते हो या नहीं, क्योंकि अगर आप किसी काम को करते रहोगे तो वो काम अपने आप ही बेहतर होता चला जाएगा। और ये बाबा जी का ज्ञान पहले मुझ पे ही लागू होता है। इसलिए वाटर कलर्स में अच्छा ना होने के बावजूद मैंने पोर्ट्रेट चुना। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि मैं किसी भी तरह इस पोर्ट्रेट को बचा लूं, क्योंकि मैं चितकबरी नोरा फतेही तो बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहता। मैं सच बता रहा हूँ, मेरा दिल बैठ गया था जब मैंने स्टार्टिंग में गड़बड़ कर दी, क्योंकि लैंडस्केप्स वगैरह तो फिर भी ठीक हैं, मैनेज हो जाते हैं, लेकिन पोर्ट्रेट्स एक्चुअली में थोड़े टफ होते हैं। ऊपर से ये मेरी ज़िंदगी की चौथी वाटर कलर पोर्ट्रेट है। पहली वाली मैंने 2006 में की थी, वो इंस्टाग्राम पे भी है, अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो। उसके बाद एक और किया था जो कहीं खो गया, और उसके बाद तो करीब 16-17 साल मैंने आर्ट ही छोड़ दिया था। तीसरी अभी मैंने हाल फिलहाल में ही बनाई है, मैंने वीडियो भी रिकॉर्ड की थी लेकिन पोस्ट नहीं किया, एक्चुअली वो भी थोड़ी गड़बड़ हो गई। एक्चुअली नए नए कलर्स मैंने खरीदे थे और पोर्ट्रेट पेंट करने का बहुत ज़्यादा मन हो रहा था। मैंने अपनी ही बच्ची अपनी स्टूडेंट को ही पेंट किया था, लेकिन सही से नहीं कर पाया। उसके सबसे प्यारे फीचर उसके गाल हैं और मैंने उसके गाल ही पिचका दिए। थैंक यू। यही नहीं, अभी और सुनिए। वो बहुत ज़्यादा फेयर है, बिल्कुल गुलाबी कलर की है, और पिंकिश टोन देने के बजाय मैंने मस्त पीले पीले रंग मार के उसके जॉन्डिस वाले मुंह बना दिए। सुपर, फैंटास्टिक, आई मीन माइंड ब्लोइंग पेंटिंग। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। यही होता है जब आप रंगों के मामले में अंधे होते हो। और मेरी तो खैर छोड़ ही दो, मुझे तो खुद पता नहीं होता कि मैं कब कौन सा रंग किधर मार दूं। मैंने जब उसे पेंटिंग दिखाई और कहा सॉरी यार जो गड़बड़ हो गई, वो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हुई। मुझे तो डर था कि कहीं वो मेरे पीछे तलवार लेकर ना दौड़ जाए। बच्चों का दिल बहुत नाजुक होता है, उसे संभाल कर रखना चाहिए। खैर, ये तो थी तीसरी पेंटिंग की कहानी, और चौथी आपके सामने है। बस किसी तरह इस पेंटिंग को बचा लूं, क्योंकि नोरा सिर्फ मेरी ही फेवरेट नहीं है बल्कि मेरी मम्मी की भी है। जैसे ही नोरा टीवी पे आती है, मेरी मम्मी सब काम छोड़कर पहले उसे देखने जाती है, फिर चाहे दूध जलकर खाक क्यों ना हो जाए, जब देखो बोलते रहती है हाय कितनी प्यारी है, कितनी सुंदर है। ओह यार, यार ये कितनी औसम है यार। ईश्वर जब मूड में हो तो ऐसे ही लोगों को बनाते हैं।
वाटर कलर्स की बात करें तो इसे कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल होता है। एक तो ट्रांसल्यूसेंट मीडियम है और ऊपर से डार्क वैल्यूज निकालना बहुत मुश्किल होता है, और पेपर सूखने लगते हैं सो अलग। इसलिए पानी डालते रहना चाहिए, बस इतना ना डालें कि सब कुछ पानी पानी हो जाए, क्योंकि पानी पानी तो जैकलीन की वीडियो में होना चाहिए। क्या बोलते हो, नेक्स्ट जैकलीन को पेंट किया जाए? मुझे कमेंट्स में बताना। और इस पेंटिंग के बारे में आपकी क्या राय है ये भी मुझे बताना, अपनी ही राय देना, क्योंकि ये वाली अभिषेक की है और ये बहुत घटिया जोक था, बहुत ज़्यादा घटिया था। एनीवेज, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मैं हूं सुमित, आपसे अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हाँ, उड़ जा साले, उड़ जा।